नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, ये दिवस कला, संगीत और विद्या की देवी सरस्वती के आविर्भाव दिवस के रूप में जाना जाता है। शरद ऋतु का गमन और साथ ही वसंत ऋतु की शुरुआत, चारों ओर प्रकृति की अद्भुत छटा, रंग बिरंगे पुष्प जिनसे खुशबू फैलती हुई, साथ ही पक्षियों का कलरव, भौरों का गुंजार और कोयल की कूक इस मौसम को सचमुच बेहद खूबसूरत बना देती है। तो आइए इस खूबसूरत मौसम और वसंत पंचमी के सुंदर दिवस के उपलक्ष्य में आज के सुविचार की ओर चलते हैं। कहना क्या है, यह ज्ञान है। कहना कब है, यह विवेक है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि ज्ञान ही सब कुछ है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह समझने की क्षमता है कि ज्ञान का उपयोग कहाँ किया जाए। बोलने और करने से पहले हमें लोगों और परिस्थितियों को बुद्धिमानी से आंकने की जरूरत है। बहुत अधिक ज्ञान होना भी उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता है। चिंतन से ज्ञान बढ़ता है और आध्यात्मिक शक्तियों के प्रयोग से विवेक बढ़ता है। परमात्मा हमें ज्ञान, योग, गुण ग्रहण और सेवा की चार सूत्री प्रणाली देते हैं। जब हम इस नई जीवन शैली को अपनाएंगे तो हमारा जीवन सबके लिए एक मिसाल बन जाएगा। माँ सरस्वती का बसंत है त्योहार और आपके जीवन में रहे सदाबहार, यही हमारी मंगल कामना है। और इसी मंगल कामना के साथ हम प्रतिदिन आपके लिए लेकर आते हैं आपकी सेहत आपके हाथ, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारी ये कामना पूर्ण होगी कि आपके जीवन में बहार ही बहार रहे। क्योंकि यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो जीवन में बहार का अनुभव हम कहाँ कर पाते हैं। इसीलिए आज चर्चा कर रहे हैं लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। आर्थराइटिस का एक रूप है जिसमें रीढ़ की हड्डी में हमें समस्या हो जाती है और प्रतिवर्ष केवल भारतवर्ष में ही 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इससे ग्रस्त होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं। हमारी कामना आप इससे मुक्त रहें, इसीलिए इस पर सुंदर चर्चा। ओम शांति, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारी कमर हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कमर के द्वारा हमारी बहुत सारी जो मूवमेंट्स होती हैं डेली रूटीन में, वो कमर से ही हम कर पाते हैं। और स्पेशली लो बैक एक बड़ी समस्या है जिसको इंग्लिश में हम लंबो सेक्रल स्पॉन्डिलोसिस भी कह देते हैं, लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी कह देते हैं। कई बार आपने नाम सुना डिस्क प्रोलैप्स हो जाता है, वॉशर जो 5 वर्टिब्रा होते हैं उसमें से वॉशर निकल जाता है L3 L4 के बीच में, या L4 L5 के बीच में, या L5 S1 के बीच में, जिससे कि फिर हमारी जो नर्व दब जाती है उससे फिर हमें पूरी टांग में, पूरी राइट या लेफ्ट लोअर लिम में पूरा दर्द होता है। मतलब बहुत ही लेंसिनेटिंग पेन होती है, इसको शियाटिका कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन नाम है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें? एक तो हम जब भी हमें ऐसी प्रॉब्लम लगे तो हम एक्सरे करा लें, एक्सरे लंबोसैक्रल स्पाइन AP लेटरल व्यू करा लें, एक अच्छा सा उसमें एक्सरे हम देख सकते हैं हमारा कैसे क्या क्या स्टेटस है। और मेन जो प्रॉब्लम होती है कैल्शियम कम हो जाना, हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाना उसकी वजह से होता है, उससे ही हमारे वॉशर निकलते हैं। तो आप इसके लिए एक तो विटामिन डी आपको नेचुरल फॉर्म में मिलता रहे, सन से ले सकते हैं, और कैल्शियम जो है आपको अपने भोजन से, इसमें सब्जियाँ, फल और दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे दही ले सकते हैं। और इसको अंदर से जो हमारी स्पिरिचुअल पावर क्या चाहिए आपको, विस्तार को सार में लाने की शक्ति चाहिए। जैसे कछुआ होता है ना, टॉर्टोइज होता है, वो अपने अंगों को समेट लेता है, जब कार्य लेना होता है तो बाहर निकालता है, दबाव समेट के अंदर। ऐसे जो हमारा मन बुद्धि या छोटी सी बातें, हम छोटी बात को बड़ा बना लेते हैं, स्पेशली माताएं बहनें, तो वो उनको ज़्यादा कमर की तकलीफें होती हैं। अगर वो बड़ी बात को छोटा बनाना सीख जाएं, वो आप राजयोग मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कछुए की कमर बहुत स्ट्रांग रहती है, ट्रक में निकलने पर उसको तकलीफ कभी नहीं होती। तो अगर हमें नेचर जो है हमारी सेंसिटिव नेचर बन गई है, थोड़ी थोड़ी बात को हम फील करते हैं, हम उसकी बजाय बातों को एक्सेप्ट करना सीख जाएं और अपनी कमर की रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्पेशली नहाने के बाद 10 से 15 मिनट उल्टा लेट जाएं, और ऐसे शाम को भी अगर पॉसिबल है 10-15 मिनट उल्टा लेट जाएं, और हमारा बैठने का पोस्चर हम सीधा रखें, हमारी जो कमर है वो अच्छे से कार्य करेगी और हमें कमर की तकलीफें नहीं होंगी। ओम शांति।
सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का नमस्कार। 23 जुलाई 1897 को तीन चाफेकर बंधुओं को एक साथ फांसी दे दी अंग्रेजों ने, इसलिए क्योंकि तीनों चाफेकर बंधु भारत की आजादी की जंग लड़ रहे थे। जब ये बात सिस्टर निवेदिता, जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, उन्हें पता चली तो वे चाफेकर बंधुओं की मां के पास मिलने के लिए पहुंची, सांत्वना देने के लिए पहुंची। सिस्टर निवेदिता ने देखा कि चाफेकर बंधुओं की मां की आंखों में आंसू है। तो सिस्टर निवेदिता ने प्रश्न किया कि मां, तू रो क्यों रही है? तेरे बेटे तो देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर गए हैं। तो जो उत्तर चाफेकर बंधुओं की मातुश्री ने दिया, वो उत्तर हर भारतीय के लिए अपने स्वाभिमान का प्रतीक है। चाफेकर बंधुओं की मां ने सिस्टर निवेदिता से कहा कि सुन बहन निवेदिता, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं क्योंकि मेरे तीन जवान बेटे भारत की आजादी के लिए एक साथ फांसी के फंदे पर झूल गए हैं। मैं तो अपनी कोख को रो रही हूं कि काश इसने चौथा बेटा भी पैदा किया होता तो मैं उसे भी भारत की आजादी की प्राप्ति की जंग में कुदा कर राष्ट्र के लिए शहीद कर देती। नमस्कार। मित्रों, यूं तो आज हम बसंत में प्रवेश कर रहे हैं और ये ऋतु हमें आनंद देती रहेगी, लेकिन जब हम किसी आध्यात्मिक नगरी में चले जाते हैं तो हर ऋतु हमें बसंत की तरह प्रतीत होने लगती है, क्योंकि वहाँ मन मयूर नाचने लगता है। आज ऐसी एक आध्यात्मिक नगरी में हम आपको स्पिरिचुअल इंडिया में लिए चल रहे हैं, जिसे मंदिरों की नगरी कहा जाता है, जो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और महाकाल की नगरी के रूप में भी विख्यात है। महाराजा विक्रमादित्य जी की ये राजधानी रही है और कालिदास जी भी यहाँ रहकर मेघदूत की रचना कर चुके हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं उज्जैनी की बात कर रहा हूँ। आइए चलते हैं। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य की उज्जैन जिले का एक शहर है। हिंदू धर्म के साथ पवित्र स्थलों में से एक है। उज्जैन पवित्र शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अधिकांश किंवदंतियों में विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में थी। महान शासक अशोक 11 साल तक उज्जैन में रहने के दौरान तीसरी शताब्दी के मध्य में बौद्ध अनुयायी बन गया। इसे आदि ब्रह्मा पुराण में सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में वर्णित किया गया है, जो दुनिया में सबसे बड़ी आध्यात्मिक मंडली कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होने का स्थान है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रसिद्ध मंदिर शहर के मध्य में स्थित है। सिंहस्थ कुंभ के दौरान शहर एक दुल्हन के रूप में जगमगाता है, जो दुनिया भर से लाखों भक्तों को शिप्रा नदी में डुबकी लगाने के लिए आकर्षित करता है। ज्ञान के सागर शिव बाबा ने हमें बताया है कि मानव आत्मा तभी शुद्ध होती है जब वह ज्ञान सागर में डुबकी लगाती है। तो दोस्तों, ये थे उज्जैन के बारे में कुछ तथ्य। मित्रों, आज वसंत पंचमी के दिन हम माँ सरस्वती की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और साथ ही ये कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें उनसे बल, बुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति हो। जब कभी हम उनके सामने जाते हैं तो सचमुच उनके हाथों के जो अलंकार हैं, वो अलंकार हमारे जीवन में आ जाएं, ऐसी हमारी कामना होती है। लेकिन इसके लिए ये भी तो जानना ज़रूरी है कि उन अलंकारों का आध्यात्मिक भाव क्या है, इस दिवस का आध्यात्मिक भाव क्या है। आइए जानते हैं। बसंत पंचमी प्रकृति के संपूर्ण सौंदर्य के आगमन का सूचक है। इसके आगमन से शरद ऋतु विदाई लेती है और प्रकृति पूरी तरह से श्रृंगारित होने लगती है। पेड़ पौधे जैसे अपने यौवन को छूने लगते हैं। पूरा वातावरण खुशनुमा सुगंधित होने लगता है। प्राणियों में नवजीवन का संचार होने लगता है। प्रकृति
नवयौवना की तरह श्रृंगारित हो इटलाने लगती है। परमात्मा शिव जब धरा पर आते हैं तो एक अद्भुत और अद्वितीय ज्ञान मनुष्य आत्माओं को देते हैं। यह अभूतपूर्व ज्ञान मिलते ही मनुष्य आत्माओं में शक्ति एवं नवजीवन का संचार होता है, जिसके बाद आत्माएं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने लगती हैं और कलयुग समाप्त हो सतयुग आ जाता है। परमात्मा शिव ज्ञान के आधार पर ही सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान अमृत को सबसे पहले अपने जीवन में धारण करने वाली माँ सरस्वती ही थी। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। जहाँ ज्ञान है वहाँ समृद्धि, सफलता एवं खुशहाली स्वतः ही आ जाती है। इसीलिए सभी लोग इस दिन पीले वस्त्र पहनते हैं तथा पीले रंग के स्वादिष्ठान एवं खाद्य पदार्थ खाते हैं, क्योंकि पीला रंग खुशहाली एवं समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन लोग पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। सारा आसमान पतंगों से सजा हुआ नजर आता है। तो मित्रों, यही शुभकामना आप सबके लिए कि वीणा लेकर हाथ में माँ सरस्वती रहें आपके साथ में। यदि वो हमारे साथ रहेंगे तो ज्ञान, विवेक, शक्ति से हम हमेशा भरपूर रहेंगे और जीवन प्रकाशित रहेगा। ज्ञान की ही तो हमें आवश्यकता होती है ना, बुद्धि की तो आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। और यदि ये जीवन में समाहित हो जाते हैं तो जीवन में हम दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ पाते हैं और पूरा जीवन ही बसंत बन जाता है। तो आपके जीवन में खुशहाली रहे, बहार रहे, आनंद ही आनंद रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति।